वो खुदा जिसने सारी जिंदगी मेरी हिफाजत की और मुझे सब बनाओ से महफूज रखा। ये हमारी आज चौथी नशिश्त होगी अहमदिया के मुस्तकबिल के बारे में, द फ्यूचर ऑफ अहमदिया मूवमेंट। थ्री पार्ट आई ऑलरेडी स्पोक, तीन हिस्से में बोल चुका हूं, वीडियो के अहमदिया जमात का मुस्तकबिल क्या होगा। हमें सबसे पहले खलीफा की जो जिम्मेदारियां हैं उस पर तवज्जो करनी होगी। इसकी तारीफ जो है वो ये है कि जमीन पर इंसान को नायब मुकर्रर किया, खलीफा बनाया। तो जो नायब होता है वो फिर इंसाफ की बाग तोड़ उसके हाथ में दी जाती है। लिहाजा गैर जानिबदार है कि खलीफा वो फैसले करता है जिसमें खुदा की रजा शामिल हो। मोहम्मद अरबी रसूल के दौर में अबू बकर कहा करते थे, तुम मेरे अच्छे कामों में और इंसाफ के तकाजों के जो काम हैं उनमें मेरी मदद करो। अगर मैं गलत फैसले देता हूं या ऐसे फैसले जहां मुसलमानों का इत्तेफाक ना हो तो मुझसे जवाबदेही मांग सकते हैं और मेरी कमर को सीधा करें और मुझे बताएं कि मैं क्या हल कर रहा हूं। तो कुजाए ये कि इज्जत के मामलात आ जाएं, इंसाफ के तकाजे पूरे होना बड़ा जरूरी है। तो खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर ने सारी जिंदगी उनकी खुली किताब की तरह थी। उसके बाद दौर उमर का आया, उमर उससे भी ज्यादा इंसाफ के तकाजों को पूरा करने वाले थे, बल्कि एहतसाब अपनी जात से शुरू करते थे, अपने खानदान से शुरू करते थे। फिर उस्मान आए जहां से सियासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ। तो बनी उमैया ने उनसे गलत फैसले करवाए और अपनी जात से भी वो अनबैलेंस थे, तवाजन नहीं था। अपने फैसले करने के बाद कुछ ही देर बाद बदल देते थे, यानी कि लाइलक जिसे हम कहते हैं। तो 6 साल का दौर तो क्योंकि उन्होंने अपनी जो आले दुआले के लोग थे बनु उमैया उनको खुश किया, एक लॉबी बनाई जैसे कि जमाते अहमदिया में है,
यानी कि एक खास सर्कल है, वही इंतखाब करता है खिलाफत का कौन होगा खलीफा, और वही खलीफा के इर्द गिर्द होते हैं और वही फैसले करते हैं, उन्हीं का अख्तियार होता है। और जो कसरत से जमात अहमदिया के अच्छे लोग हैं उनका काम इतना रह जाता है फरमा बदारी का। तो ये दौर गुजर चुका है उस्मान का, फिर हमने देखा क्या क्या फितने हुए और आखिर में उस्मान की जान गई तीसरे खलीफा की। फिर मसाइब का दौर शुरू हुआ, फिर अली के साथ जो जो कुछ हुआ वो तारीख गवाह है। फिर अली ने भी वहां वो फैसले नहीं किए जो करने चाहिए थे, जिससे माविया और बनी उमैया सख्त खिलाफ हुए, वो अपना कातिल मानते थे और कातिल वो था जिसको एडॉप्शन की हुई थी अली ने, मोहम्मद बिन अबू बकर। तो कहने से मुराद ये है कि जब अरूज शुरू होता है तो वो एक दिन में नहीं आ जाता, वो रफ्ता रफ्ता चीजें अरूज की तरफ आती हैं। और जब जवाल शुरू होता है तो वो एकदम नहीं आ जाता, उसके लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सवाल की तरफ जो गलत फैसले होते हैं वो किसी खिलाफत को भी जवाल की तरफ जमीन बोस कर देता है। तो मेरा कहना उस वक्त भी यही था मिर्जा ताहिर अहमद साहब से कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट औरतों को आजादी दी जाए पूरी तौर पर, उनका पैनल बनाया जाए और उस पैनल में वो खुद मुख्तियार हो, तो जो भी फैसले हों जहां औरतों के लिए शिकायत हों कि दफ्तर भरे हों कोई गलत काम हो रहे हों तो वो उनका फैसला करें। और पर्दे के मुताबिक भी कहा था कि फरिश्तों की दुनिया कह रही है कि पर्दा जो है बस इतना सा हो सकाफ और औरतों को पार्टिसिपेट पूरी जमात अहमदिया के अंदर एक्टिव रोल अदा करने का मौका दिया जाए। तो ये बात जो आज पहुंची है यहां तक वो नहीं पहुंचेगी। अब सबसे बड़ी खराबी जो है इस निजाम की जमात अहमदिया की, जो अब जवाल पजीर होता जाएगा, वो ये है कि एक कैथलिक की तरह एक खास लॉबी है, खास सर्कल है जो बख्तियार लोगों का है, वही करता धरता है। कैथलिक के शुरू दौर में ये अख्तियार जो था ये उन लोगों के पास था जो ताकतवर थे, और जमात अहमदिया का जो अख्तियार है ये फैमिली तक एक सर्कल में महदूद हो गया है कि बाप ना भी, चलो तो अगर बेटा अहल है तो खैर, या खुदा बताता है तो खैर, फिर उसके बाद फिर फैमिली, यानी कि जो अक्सरियत है उसको मौका नहीं दिया जाता। तो अब ये जमात अहमदिया की अब जो ये सिलसिला शुरू हुआ है अफवाहों का और बहुत से
औरतें भी आएंगी जो खुली बगावत करेंगी जमात अहमदिया से और कच्चा छट्टा निकाल के बाहर करेंगी। फिर इस जमात के फिरके बनते जा रहे हैं, वो इसलिए कि इंसाफ के तकाजों को नहीं पूरा किया जा रहा। अब खलीफा की जो जिम्मेदारी है वो दो चीजों पे है, एक होती है इखलाकी जिम्मेदारी, उसको उसे पूरी तरीके से निभाना चाहिए। और अगर देखे कोई जिम्मेदार लीडर इमाम बाख्तियार और वो गलत काम कर रहा है तो उसका फैसला करें, उसके ओहदे से हटाए, और जहां तक खलीफा की ताकत है ऐसे गंदे अंडे को दोबारा रिप्रेजेंट नुमाइंदगी का मौका ना दे। नंबर टू जो है वो अदालती कार्रवाई आ जाती है, जैसे रैप, जैसे किसी से जबरदस्ती की जाए और कत्ल के मामलात आ जाए या और बहुत से मामलात आ जाए। तो आज की जो मॉडर्न दुनिया है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो खलीफा अदालती फैसले नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अब खलीफा साहब बैठे हुए हैं इंग्लैंड लंदन में, तो वह बरतानिया कानून के पाबंद है। अगर कोई उन्होंने ऐसे फैसले किए जो अदालती कार्रवाई हो, कोई क्रिमिनल जराइम हो, पेशा वराना जराइम या जबरदस्ती की हो, या ऐसे जराइम जिसका ताल्लुक अदालत से हो, ये अख्तियार कभी भी इस मॉडर्न तहजीब याफ्ता दुनिया में बरतानी अदालत जो है या गवर्नमेंट वो नहीं देगी खलीफा को। बल्कि अगर खलीफा ने भी गलत काम किया तो उसको भी अदालत में ले आएंगे। तो सवाल उठता है इस तहजीब याफ्ता दौर में जो खलीफा है वो अपनी इखलाकी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करता है। इखलाकी जिम्मेदारियों में ये है कि जहां भी शिकायत मिले उनको दबाया ना जाए, बल्कि उसके तकाजों को पूरा किया जाए। फिर एक और भी जिम्मेदारी है खलीफा की कि एक खास तबके के अंदर ना रहे, यानी कि उनको ऐसे इख्तियार ना दे दे कि वो ही करता धरता बन जाए और खलीफा तक सही सूरत हाल ना पहुंच सके। इसकी एक मिसाल यह थी कि हजरत उमर अपने दौर में जाती तौर पर खुद दौरे करके ये देखते थे कि ये जो मुझे खबरें देते हैं क्या ये दुरुस्त है या ये गलत है। तो उनकी अपनी टीम भी थी जो बड़ी ईमानदार थी और जिनका ताल्लुक ऐसे लोगों के साथ था जो दीनदार हों, ईमानदार हों। तो खलीफा को भी चाहिए कि आम जमात अहमदिया के अंदर से लोग चुने, ना वही सर्कल, वही ताकतवर लोग इर्द गिर्द बैठ जाए, बल्कि आम अहमदी जो तकवा गुजार हैं, जिनका इस ताकतवर सर्कल से कोई ताल्लुक नहीं है, दायरेकार से, उनको चुनकर उनसे
वो काम ले के सही हालात बताएं जमात अहमदिया के, कि जमात अहमदिया पे कि अंदरूनी मामला क्या हो रहे हैं, इस पे निगाह रखना खलीफा का बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस काम के लिए उमर बिन अब्दुल अजीज भी और उमर फारूक भी अवामी रब्ता रखते थे, यानी कि वो जो लोग बिठाए हुए हैं इर्द गिर्द चमचे, जो हाँ में हाँ ना में ना और खलीफा की इज्जत के पुल बांध देते हैं, ऐसे लोग जो हैं ये वही हैं जो घर का भेदी लंकट आए, ऐसे लोगों को इनकी छांट कर देनी चाहिए, इन्हें हटा देना चाहिए। और आम फहम जो पूरी दुनिया से लोग ऐसे हैं जो बाख्तियार नहीं हैं जमात अहमदिया में, लेकिन खुदा वाले हैं, एजुकेशन है उनके पास, पढ़े लिखे हैं, दयानतदार हैं, और वो कुर्ते हैं जब वो देखते हैं कि जमात अहमदिया महदूद हो गई है एक खास तबके के अंदर, तो उनका दिल रोता है, वो गमगीन होते हैं गलत फैसलों पर, लेकिन उनके पास अख्तियार नहीं है। तो वही मिनॉरिटी रूल की मेजॉरिटी, एक खास तबका जो है फिर वो अक्सरियत पे हुक्मरानी करता है, जिसके बाद जवाल शुरू हो जाते हैं। तो ये भी बड़ी जिम्मेदारी है खलीफा की, जैसे कि मैं इस वक्त नबी हूं अपनी जमात का, और मेरे भी सर्कल हैं जो लीडर हैं जो मुझे मालूमात देते हैं, लेकिन मैं उन पर मुनहसिर नहीं होता, उन पर डिपेंड नहीं करता। और सबको पता है कि मैं खुद दौरे करता हूं और आम रब्ता रखता हूं, और आम जमात के जो लोग हैं उनसे मैं सवाल जवाब करता रहता हूं कि अंदरूनी हालात क्या है। तो मैं खास ग्रुप पे नहीं कि उन पे, अगर मुझे कोई शक भी पड़ जाएगी, अगर ये मुझे सही खबर नहीं दी, तो उसके बाद फिर मैं उनको उस सर्कल में नहीं रहने देता। नंबर दो, मैं अख्तियार देता हूं, जैसे हमारा जमहूरियत का अख्तियार है मूवमेंट का, कि वहां इलेक्शन कराए गए हैं, जो ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। तो उन इलेक्शन में मैं सिर्फ फाउंडर हूं, फाउंडर जिसने वन फैमिली वर्ल्ड खुदा की तरफ से विजन दिया कि एक इंसानियत का खानदान होगा, जिसका मेहर खुदा के साथ होगी तालीमात। लेकिन मैं खुद उस पोजीशन को नहीं थामता, उसका मैंने अख्तियार दिया हुआ है मूवमेंट के लोगों को कि वो अपनी आजादी से नुमाइंदे बनाए अपने, और ना मैं प्रेसिडेंट बनता हूं उनका, और ना ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कानूनी तौर पे जो मूवमेंट है उसका कोई मैं जिम्मेदार शख्स हूं, नंबर एक। नंबर दो या तीन, फिर फिनांस का जो पैसों का है, चंदों का जो है, चंदा तो हम खैर नहीं देते, लेकिन जो दिल की खुशी से हमें हम कहते हैं डोनेशन देना चाहे, तो वो उसका भी मैंने अपने हाथ में नहीं रखा हुआ, बल्कि उसको भी मैंने आजाद करके
उन लोगों के हाथ में दिया हुआ है, वो फैसले करें कि वो जो पैसे आते हैं उनको कहाँ कहाँ खर्च करना है उन्होंने, नशोशात पे और दूसरी चीजों पर। तो ये इसका जिम्मेदार भी और जवाबदेह भी जो खलीफा भी होता है, नबी भी होता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ट्रांसपेरेंट हो सिस्टम, यानी कि खुली खुली किताब हो निजाम जो है। लेकिन जब एक ऐसी कैथलिक लॉबी बन जाती है, ये ऐसी लॉबी बन जाती है कि वो कहेगा जी हमें कोई होता कौन है जो हम उसको हिसाब किताब दें, ये जरूरत कैसे होगी किसी की, तो समझ ले अब इस निजाम की धज्जियां बिखरेंगी और ये जवाल पजीर होगा, निजाम जवाल पजीर हो जाएगा, फिर इसको रोकने वाली कोई चीज नहीं है। कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, अकल ने ना कुछ काम किया, झूम के जो दरिया निकले थे तिनकों से संभाले ना गए, फिर इस चीज को संभालने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि जो मॉरल अथॉरिटी होती है वो जमात के आम लोग होते हैं, खास नहीं होते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मॉरल अथॉरिटी किसी भी निजाम में जब आवाम खुश है और आवाम मुतमईन है तो फिर कोई ताकत ना खलीफा को हटा सकती है, ना खलीफा पे उंगल उठा सकती है। लेकिन निजाम जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि एक शख्स उठ के खड़ा हो गया कि बैतुल माल में से हर एक को एक चादर मिली थी, ये तुमने कैसे अपना लिबास बना लिया दो चादरों से, क्या तुमने गलत इस्तेमाल किया, दो चादरें ली, दो चादरें ली। तो उमर ने फिर उसकी तफसील बताई कि मैंने एक ही चादर ली थी, मेरे बेटे जो अब्दुल्ला है उन्होंने मुझे, जो उनके हिस्से में चादर आई थी वो मुझे दी, तो मैंने फिर ये लिबास बना लिया। तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए हर चीज। तो कहने से मुराद ये है इखलाकी जिम्मेदारियां और लोगों पर नहीं ठोसी जा सकती कि अपने लिए और कानून, दूसरों के लिए और कानून, फिर कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। खुदा गवाह है कि मैंने आज तक ना अपनी फैमिली से और ना मुझे, मैंने मोमेंट से कहा कि मुझे इस चीज की जरूरत है, खुदा गवाह है मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि मेरा जूता भी फट गया है तो मैं दोबारा उसे खुद ही इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, हत्ता कि वो कहते हैं अब तो खुदा के लिए माफ कर दो, और बड़े सादा कपड़ों में मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। तो फिर वो मूवमेंट ने कहा आपको वहां भी जाना होता है, उन लोगों से भी मिलना होता है, VIP लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने ये लिबास खरीदा है, सूट या ये ऐसे कपड़े जो आप पार्लियामेंट में जाएं या खास लीडरों से मिलें तो इस्तेमाल करने, वरना खुदा गवाह है मैं वही फटे पुराने कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजारती, और अगर कपड़ा फट जाए तो मैं पेवन भी खुद ही लगा लेता हूँ, और सादा जिंदगी मुझे बहुत कि सादगी के अंदर जो लुत्फ इंजॉय है कि इंसान जो आज़ादी महसूस करता है, जो प्यार और मोहब्बत महसूस करता है, वो बनावट के असूलों में नहीं मिलती, और ना खुशबू जो है कागजी फूलों में आती है। तो ये जो इखलाकी
मुजाहरा डेमोस्ट्रेशन है ये खलीफा को करना पड़ता है, चाहे कितने ही महकमे हों, हर महकमे पर निगाह रख के ये देखना पड़ता है, खुद दौरा करना पड़ता है, अपनी रात की नींदें हराम करनी पड़ती हैं कि कहीं वो गलत खबरें, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहे हैं जिसका जिम्मेदार मैं बन जाऊं आखिरत के अंदर। तो फिर खुदा ऐसे लोग भी फराहम कर देता है जो ईमानदार होते हैं, जो खुदा तरस्त होते हैं, जो रहम करने वाले होते हैं, तकवा गुजार होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, माहिरीन होते हैं। तो हर नियत के साथ खिड़कियां भी खुलनी शुरू हो जाती हैं, दरवाजे भी कुशादा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा पहलू यह है अदालत की जिम्मेदारी का। जिस दुनिया में अब हम हैं, खलीफा अदालती जिम्मेदारी का ठेका नहीं ले सकता। और जहां जहां पे, क्योंकि आहमदिया की हुकूमत थोड़ी है, तो अगर होती भी तो महकमा अदालत अलहदा करना पड़ता। तो अगर कोई ऐसा गलत काम हो जाए तो उसको खलीफा को सही फैसला देना चाहिए कि अगर ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है, जिस शख्स ने किया है मैं उसको उसके ओहदे से निकाल के बाहर करता हूं, और जो और लोग शामिल हैं उनका भी सफाई करता हूं मैं। लेकिन तुम जाओ और अदालत में अगर तुम्हारे पे जुल्म या ज्यादती हुई है, तो अदालती जिम्मेदारी जिस माहौल में हम रह रहे हैं, ना नबी कोई फैसला कर सकते हैं, ना कोई खलीफा फैसला कर सकते हैं। हम इस निजामे जमहूरियत के अंदर आ जाते हैं। और अमेरिका में कुछ ऐसे गुरु थे जिन्होंने ऐसे फैसले किए, और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको सजाएं भी दी और उनका सब कुछ छीन लिया, बल्कि लाइफ प्रिजन भी उनको मिली। जैसे जोसेफ स्मिथ के चौथा खलीफा जो था, उसके साथ ही भी ये मामला हुए। तो इन चीज़ों को हमें अलहदा करनी पड़ेगी, अलहदा करना पड़ेगा। अब आ जाती है जमात अहमदिया की जिम्मेदारी। जमात अहमदिया की जो आम जिम्मेदारी होगी वो ये होगा कि इस लाबी जो निज़ाम है इस पे सख्त मौकफ अख्तियार करें और इस निज़ाम को तोड़े, और एक ऐसा ट्रांसपेरेंट निज़ाम की खलीफा से तवक्कुआत रखें, एक्सपेक्टेशन कि हम इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं, ना हमारा कोई खत वहाँ तक पहुँचने देता है, ना हमारी शिकायत, और ये निज़ाम इतना करप्ट हो गया कि पैसे मांगते हैं। तो फिर वही निज़ाम हुआ है ना जो करप्ट किस्म का निज़ाम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है, जैसे वो पाकिस्तान का गंदा निज़ाम, हर जगह पे गंदे अंडे बैठे हुए हैं, जो चाहे करें, जिससे चाहे करोड़ों ले लें, जिससे चाहे अपना अख्तियार इस्तेमाल करके उसको आगे ना आने दें, हर गलत काम हो और खलीफा को पता ही ना लगे, और बेताज खलीफा, बेअख्तियार खलीफा, वो जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके फैसले कबूल करें, तो समझ लो फिर खलीफा भी जिम्मेदार हो जाता है कि वो भी नाअहल है खुदा की निगाह में भी, और वक्त फिर उसको भी इस निज़ाम को ही ज़मीन बोझ कर देता है। तो जमात अहमदिया की जिम्मेदारी ये होगी कि आम तौर पर वो खुद ऐसी इंडिपेंडेंट ऐसी तंजीमें बनाए जो रिप्रेजेंटेटिव करे, नुमाइंदगी करे, और खलीफा के को होश में लेके आए और उसे बताएं कि क्या कुछ गलत हो रहा है इस निज़ाम के अंदर, और किसी दबाव के तहत नहीं, बल्कि ये आम अहमदियों में से
ऐसी तंजीमें उठें जो हर हर फैसले की लिख बनाकर जो कुछ भी अंदरूनी खिचड़ी बंदी है, वो जो डेक सड़ जाती है, वो पेश करें और उनका दबाव ना हो ये खास लाबी के ऊपर, ये जो इर्द गिर्द के लोग बैठे हुए हैं बादशाह सलामत के, और वो आवाज उठाएं और मजबूर करें इस निजाम को बदला जाए। या तो खलीफा उनके आवाज को सुने वरना वो ऐसा निजाम बनाए जैसा निजाम मेरी मूवमेंट के अंदर है कि हर साल इलेक्शन कराए जाते हैं और रिपोर्ट जो होती है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है कि हमारी करंट सूरत हाल क्या है, और अपने निजाम के अंदर खुद ही वो आम अहमदी लोग जो हैं वो चुने कि उन्होंने किसको अपना नुमाइंदगी देनी है जिस पे उस लॉबी का अख्तियार ना हो कि जी वहां से आ रहा है ये शख्स, यानी कि उन्होंने भेजा है, या तो खलीफा या फिर दूसरे लोग जो खलीफा के साथ बैठे हुए हैं खुद भी खलीफा बने हुए हैं, तो उस अख्तियार से बाहर होकर ये निजाम ट्रांसपेरेंट होगा। यही आवाज मार्टिन लूथर 1517 इंफॉर्मेशन इस्लाह जो हुई वो यही था कि इस निजाम को ट्रांसपेरेंट किया जाए। ये तो एक ऐसा गलत निजाम है खलीफा समेत जिसने सारे अख्तियार ही छीन लिए आम लोगों से, फिर उसका नतीजा क्या निकला, आधे करोड़ लोग मारे गए, फिर उस निजाम के अंदर तब्दीलियां हुई जमहूरियत आई। या ऐसा निजाम कायम किया जाए यूरोप के अंदर जमात अहमदिया के लिए जिसके ताने बाने इस लॉबी के साथ ना मिलते हों, ये जो करप्ट किस्म के लोग जिन्होंने घेरा डाल दिया खलीफा को और खलीफा उनकी सुनी सुनाई बातों पर फैसले करे, ये नहीं होना चाहिए। ये जमात अहमदिया की अपनी जिम्मेदारी हो जाएगी कि इस निजाम को जमहूरी निजाम बनाकर इस खास जो निजाम बन गया है जो किसी और को आने अंदर ही नहीं आने देता तोड़ दिया जाए। अब आ जाती नई नस्ल की जिम्मेदारियां, जो यंग जनरेशन हैं वो इस बैकवर्ड निजाम को वैसे भी नहीं कबूल करती, तो बल्कि वो जबरदस्ती कोई नमाजें पढ़ा दे उनसे रोजे रखवा दे तो रखवा दे, लेकिन अंदर से वो इस निजाम से बिल्कुल ही ऐसे अलहदा हो चुके हैं जैसे तीर कमान से निकल चुका है वो अपनी। और मैं बहुत से नई नस्ल के लोगों से मिल चुका हूं, उनका ना अब मजहब से ताल्लुक रहा ना ही कोई उनकी रूहानियत, तो उससे भी गई गुजरी। तो वो बिल्कुल ही निकल चुके हैं ऐसे लोगों को कि वो भी मटीरियलिस्टिक दुनियाई फिक्रों में दौड़कर अपनी रूहानियत का नुकसान कर लें, इस नई नस्ल को कैसे संभाला जाएगा, ये बहुत एक सोच और फिक्र का वक्त है कि वो जो नई नस्ल जो बहुत कुछ कर सकती है उसे इस नैरो जकड़े हुए निजाम में रखकर जाहिरी चीजों में आप उनको काबू में नहीं रख सकते, उसके लिए कोई खास ऐसी तालीमात पेश की जाए जो रूहानियत पे मबनी हो। जब ना खलीफा रूहानी ना वो जो सर्कल वो रूहानी
ना ये अहमियत रूहानी, तो वो अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे? ये बहुत बड़ा क्रॉस क्वेश्चन है कि सिर्फ मजहब के, शरीयत के असूलों और फलां असूलों फलां पाबंदियों पर आज की जो नई नस्ल है वो अपने आप को कैद खाने में महसूस करती है। और मैंने यहां तक सुना है कि ये कैसा बहुधा गंदा निज़ाम है जो हमको बार बार माजी के उसी दौर में पहुंचा देता है। आज इतनी दुनिया तरक्की कर चुकी है और ये हमें फिर पकड़ पकड़ कर उसी दौर में पहुंचा रहे हैं। तो ये जो नई नस्ल है इसका क्या होगा? वही होगा जो ये ईसाइयत का हुआ, जो इस्लाम में हुआ। तो नई नस्ल फिर चर्चों को छोड़ गई, एथियस्टिक बन गए, खुदा का इनकार कर दिया और जमहूरियत की आजादी पे यकीन रखा। जमहूरी असूल उन्होंने अपना लिए लेकिन रूहानियत से बिल्कुल सत्यानाश हो गया उनका। यही मुसलमानों में, यही ईसाइयत में, यही अहमियत या कोई और फिरका हो, कुजा इससे बेस्ट नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अपनी नई नस्लों को संभालो। उनको संभालने से पहले अगर तुम अपने आप को मजहबी कहते हो तो तुम्हें अपने जिंदा खुदा से भी ताल्लुक कायम करना पड़ेगा। और अगर वो रूहानियत, तीन चीजें हैं जो आज के दौर में मांगी जाती हैं। लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनमें शऊर बहुत ज्यादा आ गया है और वो सवाल करते हैं। अगर आप उनको लॉजिक रीजन से जवाब नहीं देंगे, तफसील से जवाब नहीं देंगे, हकायक से जवाब नहीं देंगे, इस माहौल के मुताबिक आप जवाब नहीं देंगे तो फिर वो आपसे बागी हो जाएंगे। दूसरे जो नई नस्ल है वो इमोशनल तौर पे वो सिर्फ ईमान की हदों तक नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि हम देखना चाहते हैं, ईमान लाओ, ईमान लाओ, मौत के बाद मिलेगी जन्नत, मौत के बाद ये मिलेगा, फलां मिलेगा, हमें इस जिंदगी के अंदर कुछ नजारा कराओ। ये इमोशनल जो जज्बाती नस्ल है उनके लिए फिर रूहानियत की चाबी चाहिए। तो जब मैं खुद ही अंधा हूं तो मैं अंधा दूसरे को क्या राह दिखाऊंगा? दो अंधे एक दूसरे का हाथ पकड़ के रास्ता दिखाएंगे, दोनों गड़े में गिरेंगे जाके। तो ये काम भी मैं कर रहा हूं कि मैंने हजारों लोगों को खुदा से मिला दिया, ट्रांसपेरेंट। और मैंने जब भी सेमिनार होते हैं मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि ये सवाल ना किया जाए। मैं उनसे कहता हूं हर किस्म का सवाल किया जाए, जाती सवाल किया जाए, ऐसा सवाल किया जाए जिससे मुझे तकलीफ होती हो, कोई बात नहीं। लेकिन हम उस दौर में रह रहे हैं कि नई नस्ल उनके जवाब मांगती है। अब जैसे कोई शख्स आता है, वो नई नस्ल को कहता है जी शराब हराम क्यों है? आप उसे कुरान की आयात दिखानी शुरू कर दें। वो कुरान से ही तो बागी होके पूछ रहे हैं, वो मुतमइन नहीं होना चाहता कि आप कुरान में कहां लिखा हुआ है। वो कहता है क्यों हराम है, फिर उसके नताइज जो साइंस की रोशनी में और रूहानियत की रोशनी में रखने पड़ेंगे, ये वजूहात हैं मेडिकल तौर पे रखने पड़ेंगे जिसकी वजह से फायदा कम है, शराब के नुकसान बहुत ज्यादा है, तब वो मुतमइन होगा। तो इसलिए मुझे ज्यादा फिक्र रहती है अपनी जमात में कि उनको सिर्फ नॉलेज ना दिया जाए, इलम ना दिया जाए। अगर इलम की कोई इलम हो, किसी किताब का, कुरान का हो, तौरात, इंजील, कोई किताब हो, अगर वो मुशाहिदा इलाही की कसौटी पे नहीं आता, परखा जाता, अगर वो खुदा के सफर और तजर्बे के अंदर वो नहीं आता, उस रूहानी शख्स की जिंदगी का मुशाहिदा और वो तजर्बात नहीं करता रूह की दुनिया के अंदर,
तो समझ ले कि हर मजहब का पानी गंदा हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा और पीने से बदबू आएगी उसे, और लोग ऐसे पानी को ना पिएंगे। इसलिए खुदा का मीना बरसना बड़ा जरूरी है, बारिश होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो जो जमीनी पानी है वो फिर सैलाब हो, उसमें फिर पाकीज़गी आए। तो इसलिए मैं जितनी भी किताबें खुदा ने मुझे दी हैं, राज़े इलाही, मैं नया आदम हूँ और नई दुनिया का ज़माना है, तो कोशिश ये होती है कि हर इलम को उनके मुशाहिदा इलाही में लाया जाए। इसलिए मैं लेक्चर देता हूँ, चाबियाँ बताता हूँ कि कैसे तुमने रूहानी ज़िंदगी में दाखिल होना है, जहाँ मौत के पर्दे उठा दिए जाएँ, आप फरिश्तों को देख लें, रूह की दुनिया को देख लें, आलम बरज़ख को देख लें, फिरदौस को देख लें, खुदा को देख लें, ताकि सफ़र में इतनी आसानी हो जाए, आपका विजन फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आपको पता है कि जहाँ मैंने हमेशा के लिए रहना है, अगर मैंने यहाँ गंद घोला तो मेरी रूह का अंजाम क्या होगा। तो इसके लिए मैं बहुत अवेयर रहता हूँ कि सिर्फ मजहबी किताब ही नहीं पढ़ा देनी किसी के हाथ में, वरना नई नस्ल, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको भागी और छोड़ जाएंगे। और मुझे बहुत सी ईमेलें आती हैं जमात अहमदिया की या दूसरी ईसाइयों की, यंग नस्ल जो है वो बराह रास्त सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो बोलने, हमसे फबीजन है, हमें इजाज़त ही नहीं दी जाती। कहते हैं कि नहीं, ऐसे सवाल ना किए जाए क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है। नहीं, वफादारी कम और सवाल ज़्यादा पूछे जाए आज के दौर में। तो अगर किसी वक्त में ये ऑडियो, ये बैटरी नहीं बंद हो गई तो समझ लेंगे, लेकिन थोड़ी बातें और कर लेते हैं जब तक गुजारा होता है। तो इसलिए अभी फ्रैंकफर्ट से हमारे जो अहमदी, एक अहमदी है, रोजाना अहमदी कबूल कर रहे हैं इस वन फैमिली वर्ल्ड, कि अब मजाहिब दुनिया ख़त्म हुई, खुदा का, खुदा के नूर से ज़मीन रोशन हो जाएगी। जो मेरा निज़ाम जो है वो रूहानियत पर है, कि उन्हें बाखुदा कैसे बनाया जाए, जिंदा खुदा से कैसे उसका रिश्ता कायम किया जाए। बाकी अदालती जो है, जो जमहूरियत का निज़ाम है, मैं उसमें मुदाखलत नहीं करता, क्योंकि ये अब इंसान को अख्तियार दिए गए हैं। शरीयत का निज़ाम फरिश्ते बताते थे, तो फरिश्तों से तो अख्तियार ले लिया गया, लेकर फिर नए आदम को दिया गया है, तो अब इंसान फैसले करेंगे। जो जो जराइम कम होते जाएंगे, सजाएं भी कम होती जाएंगी। तो कहने से मुराद ये थी कि मैं जब मेरी तोजो खात इस जगह पे रहती है, इसलिए मैं दौरे करने से मुराद ये होती है कि एक तो आम इंसान से मुलाकात हो जाए, क्योंकि आम इंसान, जैसे जमात अहमदिया का आम इंसान जो होगा वो आपको सही खबर पहुंचा देगा, क्योंकि उसका उस जालमाना निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अभी कल ही की बात है, वो मुझे अतः साहब बता रहे थे कि फ्रैंकफर्ट से एक अहमदी ने उन्होंने अपना ई बुक्स, कोई कुछ पेज पढ़े होंगे, तो दिल की दुनिया बदली। और क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं अब मेरे नूर से ज़मीन रोशन हो जाएगी और इस ज़मीन के बारे में मोहब्बत करने वाले होंगे, तो कोई अहले दिल होंगे अहमदी, तो उन्होंने कुछ पेज पढ़े और उसी रात दो दफ़ा खुदा से मुलाकात हो गई। ये है जिंदा खुदा से ताल्लुक। तो वो कह रहे थे कि मुझे कैसे भी हो, मुझे आप मसीह ज़माना से मिलाएं खुदा के दिल से। तो रोज़ाना अहमदी बैत कर रहे हैं, आप मुसलमान बैत कर रहे हैं, ईमान लेके आ रहे हैं,
क्योंकि ये ज़माना खुदा का ज़माना शुरू हो जाएगा, ये क़यामत है। जैसे ईसा ने कहा था, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, क्योंकि वो खुदा की बादशाहत की आवाज़ दी थी उसने, वो नहीं कायम हो सकी, वो एक और अलहदा मुसीबत है। और ग़ुलाम अहमद कादियान साहब ने भी कहा था कि नया आसमान और नई ज़मीन मैं बना रहा हूँ, तफसीर है, रवाया है, लेकिन वो बन नहीं इसलिए सकी कि उसके लिए जो जो खुदा ने कहा था वो काम नहीं किए। ये बड़ी, मैं ना किसी को नाराज़ करना चाहता हूँ जमात अहमदिया के अहमदिया को, ये बड़ी दुखी और दिलसोज कहानी है कि वो बातें असल नहीं बताई गई। इसलिए खुदा ने मुझसे कहा था, मैं तुझसे भी वही कहता हूँ, अगर जो कुछ तूने सुना है, जो मार्फते इलाही का सफ़र करेगा रूहानी ज़िंदगी में और मुशाहिदा इलाही होगा, जो मेरी बादशाहतें देखेगा, मेरा निज़ाम देखेगा रूह की दुनिया में, जो सफ़र होगा वो सब कुछ बता वैसे ही, तो इंसान मेरी कदर कीमत जान लेंगे। और इस ज़मीन के वारिस इबादत सालिहीन, कहीं पे कहा गया मेरे मोहब्बत करने वाले होंगे। तो ये वो दौर है जहाँ इंसान की पहली और हमेशा की मोहब्बत खुदा की होगी और खुदा की कदर कीमत को जान लेगा। तो यहाँ जो बात का खुलासा है वो ये है कि जब निज़ाम गलत होते हैं तो वो ऊपर से होते हैं, और जब उनमें इनकलाब आता है तो वो नीचे से आता है, क्योंकि जो अक्सरियत होती है वो तंग आ जाती है, जो अक्लियत बैठी होती है ऊपर। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस निज़ाम को, किसी निज़ाम की तरक्की के लिए भी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बुनियादें कायम करते हैं कि जैसे यूरोप में इनलाइटमेंट दौर शुरू हुआ, तो ऐसे लोग आए जिन्होंने सच्चाई पर ये निज़ाम की बुनियाद रखी कि जहाँ जहाँ हमें सच्चाई लेके जाएगी हम वहाँ जाएंगे, साइंस का तहकीकात हो या कोई और तहकीकात हो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर ये इनकलाब टेक्नोलॉजी की सूरत में आया, और उन्होंने उस बात से भी इनकार कर दिया, जैसे गैलीलियो ने कहा था कि ज़मीन घूमती है सूरज के गिर्द, मजहबियों ने उड़ा के उसे जेल दे दी, फिर वो बेचारा उसने तौबा मांगी, बाद में उसे जोश चढ़ा, फिर उसे फिर उसका काम कर दिया, उसे अपने कब्रिस्तान में भी दफन नहीं होने दिया इन कैथलिक के ये जो गलत निज़ाम की लॉबी थी। तो फिर बाद में इस निज़ाम को भी तोड़ा गया कि कैथलिक का जो मजहबी निज़ाम है इसको अलहदा कर दिया जाए। तो अब तो दुनिया में ये निज़ाम तकरीबन यूरोप में तो राइज है कि रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट, जो मजहब है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई अख्तियार ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट के कामों में ज़बरदस्ती करे, गुंडागर्दी करे, बदमाश बन जाए, इंतहा पसंद बन जाए, वो अपना काम करे, कोई उसका इख्तियार नहीं है जमहूरियत के अंदर, उसका ज़ाती मामला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, पाकिस्तान में भी है, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, दैट रीजन हैज नथिंग टू डू विद द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट, कोई इसका कोई असर कबूल नहीं किया जाएगा, और जो गवर्नमेंट होगी उसमें, अब उसकी मिनिस्ट्री में सिवाय एक के सारे ही हिंदू थे, सिंह थे, एक अहमदी साहब, एक अहमदी भी थे उनकी मिनिस्ट्री में, तो वो तो कहते थे कायदे आज़म कि बाय टाइम पास बाय ना कोई हिंदू हिंदू रहेगा, ना कोई सिंह ना कोई मुसलमान, उनका जमहूरियत में वो एक हो जाएंगे, मज़हब उनका ज़ाती मामला होगा।
तो हमें इस निजाम को बदलना होगा। अगर हम इस निजाम को तंग नजर रखकर खास लोगों तक महदूद करेंगे तो जो मैंने देखा है, खुदा ने मुझे दिखाया है, इसके 14 नहीं जमात अहमदिया के, इनके भी बदतर फिरके होंगे। और इनका जो है ये ना गलत ख्याल कि सूरज सदा इनके सिर पे चढ़ा रहेगा, ये इनका गलत ख्याल है। बड़ी बड़ी कौमें तबाह हो गई, बड़े बड़े मजहब जो है वो गंद में जा पड़े और बदतरीन मखलूक बन गए। और ये जमात अहमदिया क्या, या कोई और फिरका क्या? तो मैं फिर दावत देता हूं, चाहे वो जमात अहमदिया के लोग हों या नई नस्ल हों, कि अब रूहानियत का दौर है, अब उस जिंदा खुदा से सिर्फ बात करने का दौर नहीं है। हमारा जिंदा खुदा है, 152 या कम उबेश आगे हो, वक्त गुजर जाए और एक भी नबी ना आए वहां पर, हमारे हजारों मानने वालों में इसी तालीमात के जरिए, क्योंकि खुदा ने कहा ये नया जमाना है, नया आसमान नई जमीन है, खुदा की मंशा पूरी हो जाएगी। नई जमीन से मुराद वो लोग होंगे जिनका जिंदा ताल्लुक होगा खुदा से, और जमीन अंबिया से भर जाएगी, खुदा के नूर से रोशन हो जाएगी। तो हमारे इस यूनिवर्सल मिशन में 40 नबी, अभी तो मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं कि मैं डंडे से हकारता फिरूं सारे नबियों को, तुम्हारी मजाल क्या कि मैं बैठा हूं अभी नबी और तुमने नबूतों के दावे शुरू कर दिए, जैसे मोहम्मद साहब के दौर में हुआ, उन पर भी लक्ष्य कशियां की, कईयों को मारा गया, कईयों को जबरदस्ती मुसलमान किया गया। मैं तो खुश होता हूं, खुदा का शुक्र करता हूं, सजदे में चला जाता हूं जंगलों में, रोते रोते मेरी हालत गैर हो जाती है कि ऐ खुदा, ये तेरी इनायत है कि नबियों का जमाना आ रहा है, क्योंकि इस जमीन के दरो दीवार जो है वो प्यासे हो गए खुदा की मोहब्बत के बगैर, इन वो तड़पते हैं कि कोई आए और हमें उस खुदा की खबर दे जो जिंदा है, उसके राज इलाहियों की खबर दे, यही तो तौहीद है, आने वाला बताए। तो जब भी कोई नया नबी आता है, मैं उससे खुद मिलता हूं जाके, और दिल बाग बाग हो जाता है कि खुदा की इनायत, जो वादे दिए थे खुदा ने कि जमीन अंबियाओं से भर जाएगी, उसके फल बूटे, उसके बीज, वो कोपले, वो बाहर का जमाना मैं खुद देख रहा हूं, अभी तो मैं जिंदा हूं। तो हमें हमारी जिंदगी का मकसद जो है, आप मेहरबानी करके उन किताबों का मुताला करें तस्वीर के बगैर, और इसके बगैर के इसने ये कह दिया, ओ भाई मैंने जितने भी नबी हैं वो राह हैं, जब खुदा मुझे हुक्म देगा तो मुझे बताना पड़ेगा।